बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिले से सामने आ रही है, जहां सुपौल पुलिस को एक साथ कई सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक साथ 4 घटनाओं का उद्भेदन किया है, जिसमें 9 बदमाश अब तक गिरफ्तार हुए हैं। लूट के 9,48,000 रुपए सहित 2 पिस्तौल, 2 देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें कि जिले भर में 4 अलग अलग कांडों में अब तक 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास लूट के लाखों रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही पिस्तौल, देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सुपौल जिले में 27 दिसंबर को एक किराना व्यापारी से 15 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इस मामले का उद्भेदन करते हुए आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुपौल से अमरेश कुमार की रिपोर्ट। कमलपुर है, कौन सी गांव है? बघेली गांव। बघेली, बघेली गांव में पवन मेहता और उनका बेटा के पास गांजा ये सब तस्करी का और बिक्री करने का कुछ सूचना मिला था थानेदार को। तुरंत ये SDPO को सूचना देते हुए CO को लेके जाके वहाँ पे छापामारी किया गया था उनके घर में। बघेली गांव है जदिया थाना में, वहाँ से उसके पास से लगभग 11 किलो का गांजा ये लोग सीज किए हैं। उसके साथ साथ एक पिस्टल भी उन लोगों के पास से सीज किए हैं। उसको साथ साथ उसको अरेस्ट भी किया है, क्या नाम है उसका, बसंत कुमार जो ये खरीद बिक्री ये सब जो करता है नेपाल से, एक्चुअली ये तस्करी करके लेके आते हैं यहाँ पे, तो इसको भी ये लोग अरेस्ट किए हैं। एक आदमी, इसके पिता जो है पवन मेहता, ये भी इसमें लिप्त है, लेकिन ये अभी भाग गया है, इसको भी जल्द ही अरेस्ट कर लेंगे। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री ये सब जो है हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। पिछले महीने 27th को, मतलब दिसंबर 27th को, राघोपुर में गणपतगंज में एक किराना व्यवसायी सागर कुमार से लूट की घटना हुई थी। उसमें 15 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसी में पुलिस की एक SIT गठन हुई थी, SDPO बीरपुर इनके नेतृत्व में। उसी में ये राघोपुर थानेदार और सर्किल इंस्पेक्टर बीरपुर और उसके साथ साथ और भी कुछ थानेदार, किशनपुर थानेदार, ये सब भी उसमें SIT में थे। तो उसी में ये लोग इन्वेस्टिगेट किए हैं और कुछ टेक्निकल एनालिसिस ये सब के माध्यम से ये लोग उसको केस को डिटेक्ट किए हैं। डिटेक्ट करने के बाद इसमें जो शामिल थे 3 लोगों को ये लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसका नाम है, एक है अनिरुद्ध कुमार, दूसरा है राजकुमार, तीसरा है अमोद कुमार। ये तीनों जो है वहाँ पे, इन लोगों का कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, पहले भी किशनपुर के कुछ लूट केस में ये लोग वांटेड हैं। तो इन लोगों का अभी अरेस्ट किया गया है। इन लोगों के साथ साथ जो 15 लाख का जो लूट हुआ था उसमें से अराउंड 9,38,000 तक ये लोग रिकवर किए हैं। इसके साथ साथ 2 मोटरसाइकिल भी इन लोगों के पास से रिकवर किए हैं, 2 पिस्टल्स रिकवर किए हैं जो दिख रहा है, और 3 कारतूस और सॉरी 3 मैगजीन और 5 कारतूस, ये सब इन्हीं लोगों से ये लोग रिकवर किए हैं। तो इसमें पहले भी इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, तो इन लोगों को अभी उस केस में भी जुडिशियल रिमांड मतलब ले लेंगे। यही एक घटना है, राघोपुर का घटना है जी। दिया थाना में भी एक केस हुआ था पिछले महीने, एक ज्वेलरी दुकान से चोरी हुआ था, उसमें 9th दिसंबर को ये घटना हुआ था। उसमें भी जो वांटेड थे, इसमें लगभग कितने लाख रुपए इसमें वर्थ ज्वेलरी चोरी हुआ था? लगभग सर 3 लाख के आसपास का सर। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेट ये लोग किए हैं, सर्किल इंस्पेक्टर त्रिवेणीगंज और इन लोगों के नेतृत्व में SHO जदिया भी उसमें शामिल था SIT में। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट किए हैं, इसमें अराउंड 3 लोगों को ये लोग अरेस्ट किए हैं। एक है मोहन मंडल, दूसरा है मोहम्मद तनवीर, तीसरा है अरुण शर्मा। ये सब पहले भी इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। मोहन मंडल जो है वो पूर्णिया में भी बरारा कोटी एक थाना है, उसमें भी ये 3 केसेस में ये वांटेड है, अभियुक्त है। और इसके साथ साथ अरुण शर्मा और मोहम्मद तनवीर का भी कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। इन लोगों से अभी 0.5 किलो चांदी और 15-20 ग्राम का कुछ गोल्ड भी ये लोग रिकवर किए हैं।